5 minutes. Mr. Gaur sahab, abhi calling attention notice bhi ek hai, Asad Kaiser sahab ka, wo minister sahab aane wale hain, wo bhi hum take up karenge. Ji, bole ji. Bas janab speaker. Thank you janab speaker. Janab deputy speaker, main samajhta hu aaj ek sad day hai. The way बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है. ही इज़ पॉलिटिकली डेड. उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है. वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है. अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं. जनाब स्पीकर, ये लाजिम है, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामेंट मजबूत है या कोई और मजबूत है. जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए. जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें. जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए इस पार्लियामेंट में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूं. एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामेंट का. आज आपका 77वां दिन है सीवान में, 77वां दिन है, 9th सेशन है, 77वां दिन है. एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़, लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में, बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई. यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर, यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक लें. यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में, 6.5 करोड़ एक दिन के खर्चे पे. ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं, आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूँ, देर विल बी नो सेशन इन सितंबर 2024, द लास्ट डे वुड बी फ्राइडे इफ देर इज ऑन द 6th ऑफ सितंबर, इफ 6th सितंबर इज अ क्लोज हॉलीडे देन सितंबर 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे. इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है. ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हकूमतों में देखे, इनकी हकूमत में क्या हुआ है. यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी. वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे. आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी? बताएं आप, काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी, बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईवान कमजोर होता रहा है. बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे. ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरे ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती, पर एक बात जरूर हुई थी. ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे,
कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूँ, आपने कितने लोगों को जदोकोब किया, मैंने कितने जदोकोब किया, लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना बोटों को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खराब हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दें, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असेंबली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असेंबली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ यूर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ यूर लेगेसी। ये लेगेसी है, बताएं 22 साल में एक लफ्ज को एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज को स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी, ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉयलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें आप आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव टू, वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको यह कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्टाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्टाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने आवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा ख्वाजा साहब अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मैंने मैंने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पर रहें, लेकिन फिर आपका इस्तेका कि बेशक आप स्पीकर को कहें आप ये ना रहें। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, 1 स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है, और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी, ये जिसको आप कहते आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% आवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम हैं, हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन के ओद जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तदार आने जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें, कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामेंट हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर,
इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं, साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शखाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे, वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमेंड नहीं करता, क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ एक कामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया, आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते, हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है, वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो MPA मैनेस के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते, हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ, हम क्यों में खड़े होंगे? अमेरिकन की तरह हम जाएंगे, ब्रिटिश की तरह हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की जरूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था, तो कमरी कभी कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता वह हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर लें और अवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करें। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन जरे गुजर जाते हैं, वक्त आएगा अवाम हमें जज करेगी। हु इज़ ऑन द राइट साइड।